त्योहार जब निकल जाते हैं तो उनकी यादें छोड़ जाते हैं। दिवाली अभी अभी गई है, लेकिन अब कुछ यादें बड़ी खूबसूरत हैं। जैसे हमारे मोहल्ले में लड़के पटाखे चला रहे थे, और जैसे ही पटाखे को तीली लगाई तो देखा सामने मोहल्ले की एक आंटी चली आ रही। तीली लगा के, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है। आंटी बोली, बेटा आप कहां 20 साल पहले थी। हो जाता है, पटाखों से याद आया। राजेंद्र मालवीय को पूछा किसी ने दिवाली के बाद कि भाई ये जो रॉकेट है हम बोतल में डाल के छोड़ते हैं, इससे क्या सीखते हो? तो राजेंद्र मालवीय बोले, इससे ये चीज सीखते हैं कि जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाने के लिए बोतल का सहारा बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे काम चल सकता है। जैसे अशोक भाटी जी, इनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर इनकी पत्नी ने इन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, ऐसी चीज लेके आओ जिससे मैं सुंदर दिखने लगूं। ये अपने लिए एक बोतल विस्की ले आए। उसके अलावा संभव नहीं था। जिंदगी में ऐसा था, अशोक की माइक उठाइए। बात ठीक कह रहा हूँ ना मैं जी? बिल्कुल। फिर क्या हुआ? ये आपने सिखाया गुरु? मैंने सिखाया है कि इतनी पियो के हर चीज खूबसूरत लगे। पीने पिलाने की बात हम नहीं करते ना, हम सिखाना चाहते हैं। अशोक जी, ऐसी क्या बातें सिखा रहे? बच्चे सामने बैठे, सारा देश सुन रहा है, आप क्या क्या कह रहे हैं? आप इस तरह की बातें मत कीजिए, बिल्कुल कैमरे के सामने बिल्कुल मत कीजिए, फिर जो चाहे कीजिए। मुझसे तो लोग बोलते हैं, अशोक भाटी कुछ पीते हो क्या? मैं बोलता हूँ, यदि आपका प्रश्न है तो नहीं, और यदि प्रस्ताव है। एक दिन मैं बस अड्डे पर कर रहा था बस का इंतजार। अच्छा, नॉर्मली बस अड्डे पे बस का ही करते हैं। हालांकि राजेंद्र मालवीय जैसे कुछ लोग हैं जो बस अड्डे पे भी पता नहीं किसका इंतजार करते हैं। लेकिन इनके बस में ही नहीं है कि कोई आए तो फिर ये बेबस हो जाते हैं। एक दिन मैं बस अड्डे पर कर रहा था बस का इंतजार, तभी होने लगी बरसात मूसलाधार। एक बूट पॉलिश वाला लड़का मेरे पास आया, मैंने पॉलिश के लिए अपना जूता आगे बढ़ाया, लड़के ने पॉलिश कर डाली और जूते को चमकाया। अच्छा, तो मैंने उसकी हथेली पर 1 रुपए का कलदार धरा और उससे एक प्रश्न करा, बेटे तेरा काम इस कलदार से चल जाएगा? लड़का बोला, बाबूजी चल जाएगा, पर मैं आदमी बहुत दरिया दिल दिलदार, मुझसे नहीं रह गया। मैंने फिर प्रश्न दोहराया, बेटे तेरा काम इस 1 रुपए से चल जाएगा? लड़का बोला, बाबूजी मेरा काम इस 1 रुपए से चल जाएगा, पर बार बार आप इस प्रश्न को क्यों दोहराते हैं? वैसे भी इतनी मूसलाधार बरसात में आपके जैसे बेवकूफी पॉलिश करवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक पार्क का सीन दिखाता हूँ। पार्क का सीन। ओए होए। एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। ओए होए, ओए होए, क्या बात है, बहुत अच्छे। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। सेमी सांस्कृतिक, भाई बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छे, वाह वाह। सेमी कल्चरल एक्टिविटी करने से रोका, बोले शादी के पहले ही प्रेम का इजहार क्या सोचेगा तुम दोनों का परिवार? युवक बोला, सर आपको गलत फहमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है, हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं, अशांत मन को प्रसन्न कर रहे हैं और पार्क में बैठे बैठे भजन और कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, तो सिपाही बोला, शादीशुदा हो तो घर पर जाइए और वहीं पर जाकर झांझ मजीरे बजाइए। तो युवक बोला, बाप रे बाप क्या बात करते हैं आप, यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, इसका पति इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाएगी। नमिता जी को शायद आपकी बात पसंद नहीं आई या समझ में नहीं आई। नमिता, तुम वैसे चुपचाप बैठी हुई हो, गुस्से में इधर उधर देख रही हो, ना कोई तालियां बजा रही हो ना मुस्कुरा रही हो। मैं उसमें गुम हो गई थी कि ये कल्चर कौन सी वाली चल रही है प्रक्रिया, मुझे उसी में समझने में टाइम लगा। माय गुडनेस, देखो ये सोच सेमी कल्चर, मतलब सेमी कल्चरल एक्टिविटी चल रही थी। बहुत अच्छे, क्या बात है। अब उधर के जो युवा हैं जी, वो आंखों ही आंखों में इधर कुछ तकरार कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाइश देता हूँ, बड़ा हूँ, एक पंक्ति में समझाइश। अच्छा, इधर तकरार कर रहे थे, आंखों ही आंखों में? आंखों ही आंखों में। उत्तरी की कौन है, कौन है? एक पंक्ति वो, हाँ वही, ये नीले शर्ट वाला, इनको हाँ। कि यूं तो पराई नार से दामन बचाना चाहिए, यूं तो पराई नार से दामन बचाना चाहिए,
पर हल्की बारिश हो तो थोड़ा भीग जाना चाहिए। इस पे मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आ गया, उनकी बड़ी मशहूर गजल है, वो कहते हैं कि यूं तो इतना भी खुद को मत बचाया कर, इतना भी खुद को मत बचाया कर, और बारिशें हो तो भीग जाया कर। जी तो एक अगला कट पीस प्रस्तुत है। जी एक नेताजी नगर भर के प्यारे, 40 के हो गए फिर भी कुंवारे के कुंवारे, 40 के हो गए फिर भी कुंवारे के कुंवारे, एक दोस्त ने सलाह दी नेताजी शादी रचाइए और भगवान के लिए आप भी देश की आबादी बढ़ाइए। तो नेताजी ने शादी रचा ली ताबड़ तोड़ में और शामिल हो गए आबादी बढ़ाने के दौड़ में और शामिल हो गए आबादी बढ़ाने के दौड़ में। एक महीने बाद नेताजी अपनी किस्मत पर रो रहे थे और ओटले पे बैठे बैठे घर के कपड़े धो रहे थे। अच्छा। और ओटले पे बैठे बैठे घर के कपड़े धो रहे थे। दूसरा दोस्त बोला नेताजी लगता है अपनी आदत सुधार रहे हो और जन्म पत्रिका में जूता मार रहे हो, लगता है अपनी आदत सुधार रहे हो जन्म पत्रिका में जूता मार रहे हो, पहले तो घुमा करते थे लगाकर पाउडर और सेंट और आजकल धोना पड़ रही है खुद की शर्ट और पैंट। तो नेताजी हुए गरम, बोले बेशरम तेरी या नजरों में मुझे जरूर कोई खोट दिखाई देता है, तेरी नजरों में जरूर कोई खोट है, ये मेरी पैंट नहीं तेरी भाभी का पेटीकोट। ये पेंट नहीं पत्नी का पेटीकोट है, जो जो अपनी पत्नी देवी के कपड़े धोता है वही देश का सफलतम नेता होता है। वाह वाह। लेकिन कवि नहीं धोता है, क्योंकि कवि के यहाँ ये रिवायत नहीं होती है, जब कवि कपड़े नहीं धोता है तो फिर पत्नी ही धोती है। भाई अशोक भाटी जी ने कमाल किया, मैं जरा माइक कर दीजिए, कौन ये आंखों में तकरार कर रहा था भाई, क्या नाम है आपका? जी अर्जुन। अर्जुन जी। ओ मछली की आंख का निशाना। अर्जुन ये क्या आक्षेप लगा रहे हैं तुम पे अशोक भाटी जी, इल्जाम लगाया है तुम पे? सर वो तो इधर किधर इशारा कर रहे थे, वो पता नहीं कैसे तुम्हें ऐसे ही पकड़ लिया इन लोगों ने। जी क्यों पता नहीं सर। भाई कौन, यही था कोई और था? सर मैम बता देंगे आपको मैं था या नहीं। हाँ, मैम आप बताइए कौन था भाई। नमिता तुम बताओ। थे तो यही अब ये। बस कलर का फायदा उठा लिया, एक डार्क कलर ब्लू कलर का फायदा उठा लिया, बस थे आप ही, मैं बहुत देर से देख रही थी आपको। मुझे खुशी इस बात की है कि ये बालक वहां बैठ के भी ये सब कर रहा था, या गुस्सा इस बात का है, खुशी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाव क्या है, लेकिन जो भी है ये बालक वहां बैठ के भी ये सब कर रहा था और बिल्कुल निडर था, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि नमिता का ध्यान भी इधर था। बैठो अर्जुन बैठो। थैंक यू। सिर्फ कविता सुनो। सर कुछ बोलूं?